हम लोग उखाड़ के फेंका जा रहा है यहाँ से, पाकिस्तान जाके बसे। सर जी खुद ही भू माफिया के सपोर्टर है, इसलिए नहीं आए हैं वो यहाँ। कोई नहीं, इतना पब्लिक वोट दिया उनका भू माफिया जी, जी भू माफिया का सपोर्टर है। अगर ही नहीं चलाया नीतीश कुमार तो आज यह दिन हम लोग का क्यों देखना पड़ता है। सांसद जी आएंगे बोलेंगे कि हमको वोट दीजिए, सारा दुनिया से लगता चला गया, सब मर गया है ही नहीं। अभी कोई भी आएगा लेकिन हम लोग बाले बच्चे सब मिल के सो जाएंगे, कहेगा चलाओ इस पर बल दो जाओ, मरने के लिए तैयार है। हम लोग मर जाएंगे और जब भी अगर प्रशासन जो है तोड़ने के लिए जाए तो हम लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ा के ही, उनको जैसी भी चढ़ा के ही जाना होगा। आएगा वोट लेने, तब उसका वोट का पता लगेगा कि देता है कि नहीं देता है, क्या मिलता है उसको इस बार, क्या मिलेगा, झाड़ू मिलेगा, चप्पल जूता मिलेगा। पूर्णिया के वार्ड नंबर 42 के अब्दुल्ला नगर में करीब 30 एकड़ जमीन को खाली करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है और इस जमीन पर कहा जा रहा है करीब 80-90% जमीन पर लोगों का घर बना हुआ है, पक्का का मकान बना हुआ है, एक मंजिला दो मंजिला तीन मंजिला भी बना हुआ है और बड़ी संख्या में गरीबों का भी घर है और उसी जमीन को खाली कराने के लिए आज जो प्रशासन ने तैयारी की है उसका नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि खाली नहीं होना चाहिए उनकी भी बात रखेंगे। ये लोग तमाम लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि इस ज़मीन को खाली नहीं करें क्योंकि ये लोग बरसों से इस ज़मीन पर रहते आ रहे हैं और ये लोग कोर्ट में मुकदमा भी लड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम लोगों आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि पुलिस कितना आया हुआ है और कौन कौन यहाँ क्या क्या स्थिति में क्या कुछ कर रहा है। तो ये देख लीजिए कि बताया जा रहा है करीब 2 दर्जन के आसपास बुलडोजर यहाँ लाया गया है, जेसीबी मशीन जिसको बोलते हैं वो लाया गया है, बड़ी संख्या में रोधी जो बल है वो है, बड़ी संख्या में पुलिस बल है, यानी कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में बोलें कि ये लोग हैं। अभी ये लोग पूरी तरह से मुआयना कर रहे हैं, किसी खास आदेश का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि कार्रवाई हो। चूँकि कोर्ट का आदेश है तो निश्चित रूप में कोर्ट के आदेश का तो पालन किया ही जाना होगा, तो उसी इंतजार में है प्रशासन के लोग कि कैसे कोर्ट के आदेश को हम 100% पालन करें। ये देख लीजिए किस तरह का नज़ारा है, ये इधर का नज़ारा बता रहे हैं। अभी सड़क पर जाएंगे तो वहाँ दर्जनों गाड़ियाँ हैं, वो भी आपको हम दिखा देंगे कितनी गाड़ियाँ हैं वहाँ, और जब गिनती करेंगे तो आपको एक दो नहीं करीब दो दर्जन गाड़ियाँ आपको बुलडोजर सिर्फ दिखाई पड़ेगा। चूँकि 80-90% इलाके में घर बना हुआ है, पक्का का मकान बना हुआ है, कैसे खाली होगा, तो उतनी मजबूती के साथ प्रशासन यहाँ आया हुआ है। आइए अब हम इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों का क्या कहना है जिन लोगों का घर इस पर है, और इन लोगों से बातें करते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं प्रशासन से? हम लोग यही कहना चाहते हैं, हम लोग के बाप दादा परदादा जो सब था, हम लोग यहाँ पर जमीन हम लोग के बाप दादा लिया, यहाँ पर बसा, यहाँ पर बाल बच्चा को की शादी ब्याह किया, सभी यहाँ रहा, और अब चल के जिस समय घर नहीं था, कोई आदमी नहीं था, उस समय में अनुरोध यादव और जितन यादव कभी कुछ नहीं किया, उसको बाप दादा लड़ाई लड़ करके मर गया, और हम लोग जमीन खरीदे सकीचानंद दास से, और सकीचानंद दास से हम लोग जमीन खरीदे और हम लोग यहाँ पे घर बना के रहे, और अब जा करके ये 40-45 साल के बाद। अच्छा, अच्छा ये बताइए, ठीक है आप लोग का तो उसमें कुछ दोष नहीं है, चूँकि आप लोगों ने गलती से भी हो सही से भी हो उस व्यक्ति से खरीद लिया जमीन, हाँ। जो कि अभी कहा जा रहा है कि वो अभी जमीन का मालिक सही तरीके से नहीं है। नहीं, वो तो मर गया, हाँ, वो मर गया। ये जमीन सबसे पहला बात है, ये जमीन को लड़ाई लड़ने वाला मर गया, जिसको जमीन था वो मर गया, इसीलिए ये सोचता है क्या जो माफिया सबके द्वारा इकट्ठा कर करके और ये माफिया सबके द्वारा हम लोग के खाली करने के कोशिश। माफिया लोग लगा हुआ है इसमें? हाँ, माफिया लगा हुआ है इसमें, कौन ब्रोकर लोग? हाँ, ब्रोकर और भू माफिया दोनों लगा है। कहने वाला बात ये, हम लोग तो रातों रात नहीं बसे, आज 45 ईयर्स हो गए हम लोग
को, ठीक है, यहाँ पे रहते रहते मेरा मम्मी का मम्मी नानी सब यहाँ पे रहा, ठीक है। और अगर हम लोग इलीगल तरीके से रह रहे थे तो 45 ईयर से रह रहे थे, हम लोग को तो कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए था। अभी जाके देखिए पूरे मोहल्ले में रोड है, इलेक्ट्रिसिटी पोल है, सबके घर में घर घर पानी का कनेक्शन है, इंदिरा आवास मिला हुआ है। वो तो जो है लेकिन जमीन का कागज भी है। हाँ, कागज का पर्चा भी है। और जो कागज का जो पर्चा बनता है वो तो लीगल ही बनता है ना, इलीगली तो नहीं बनता है। हम रह रहे हैं, वहाँ से रजिस्टर वगैरह जो भी है पर्चा बनवाए हैं वो तो लीगल ही बनता है सारा, ऐसा तो नहीं बनता है। ये बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि जो दलाल है, भूमाफिया है, वो लोग साजिश किया है। हाँ, और इतने गरीबों को बेदखल करना चाह रहा है जमीन से, यही ना बात है। हाँ। तो आप हम लोग ये बात बताइए, जब गरीब मजलूम पर इतना जुल्म कर रहा है भूमाफिया लोग, तो आपके सांसद विधायक लोग कहाँ हैं? सब कोई नहीं है, सबके पास गया, कोई नेता सामने नहीं आ रहा है। जब भी वोट का टाइम रहता है सब आगे रहते हैं, अभी कोई नेता नहीं आ रहा है। तो अभी अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, सांसद जी ऐवे करेंगे अभी? अरे आएंगे, सारे नेता लीडर को बताएंगे, जिसका भी वोट मांगने आएगा तो आज जो है ना सर, इस पूरे मोहल्ले क्या समझता है, हम गरीब को जान लेगा, हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा? अगर जिस समय में हम लोग को इंदिरा निवास मिला, जिस समय में बिजली मिला, जिस समय में नाला मिला, जिस समय में पानी का कनेक्शन हुआ, उस समय में कहाँ था? उस समय में तू क्यों उन्हें रोक लगाया? जिस समय में आदमी घर बना रहा था, बिल्डिंग बना रहा था, उस समय में तू रोक क्यों उन्हें लगाया? उस समय तू कहाँ था? सांसद जी को सारी बात नहीं बताए? सारा बात बताए हैं सांसद को, सांसद को सारा बात बताए हैं, लेकिन यहाँ पर अरे बोलिए बताइए बोलिए, यहाँ पर सारे माफिया लोग, सारे बरकरार लोग, ये सब मिल के गरीब को चाहता है कि दाब करके रख दे, लेकिन हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम लोग घर नहीं तोड़ने देंगे। अच्छा बताइए, नीतीश कुमार जी कहते हैं, उनके लोग कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई जो है ना माफियागिरी नहीं चलेगा। कैसे माफियागिरी चलाता है नीतीश कुमार? आज माफियागिरी नहीं चलाया नीतीश कुमार तो आज यह दिन हम लोग का क्यों देखना पड़ता है? नीतीश कुमार तो भूमि भी दान कर रहा, फिर भूमि उजारने के लिए क्यों क्यों उजारता है? अभी अभी नवी मिल रहा है तो जल्दी से खेत बनाइए, भूमि दान कर रहा है, मिल जाएंगे उजारने के लिए आ रहा है। एक आदमी तो अरे आप रो रहे क्या है? रोएगा क्या? बात बताइए, आप लोग रोने को मजबूर हैं, आपको घर उजारा जा रहा है, ये सांसद लोग किसी काम का है? आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी क्यों सरकारी विकास दिया, क्यों सरकारी बिजली दिया? जब हम लोग क्या भारतीय नागरिक नहीं है? हम लोग कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान, पाकिस्तान कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग भारतीय नागरिक नहीं, जो हम लोग उखाड़ के फेंका जा रहा है यहाँ से, पाकिस्तान जाके बसे, बांग्लादेश जाके बसे, वहाँ के जब सुनिए बता रहे क्यों नहीं मिला, बता रहे अभी, अब तो लोकसभा चुनाव नजदीक में है तो सांसद जी आएंगे, बोलेंगे कि हमको वोट दीजिए। हम आप लोग के माध्यम से बताना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आगे आगे संतोष कुशवाहा का इतना नाम है, सबको जिताया, हम लोग का वोट में एक बार भी हुलकी मारने के लिए नहीं आता, चाहे वोट लेने का टाइम खाली आएगा पूछना चाहते हैं। हम लोग घर उजारा जा रहा है, हम लोग कहाँ जाए? पाकिस्तान, कहाँ जाए हम लोग? हम ये कह रहे हैं ठीक है, कोस कोर्ट के आदेश पे काम हो रहा है तो ठीक है, जो नेता है उनको उसका व्यवस्था भी तो करना चाहिए। सर कोर्ट के आदेश पे काम हो रहा है, कोर्ट ही कहने ना 12 साल से अगर व्यवस्था नहीं करते तो आप विकास क्यों दिए, क्यों इंदिरा निवास दिए, क्यों बिजली दिए, क्यों पानी दिए, क्यों नाला दिए? हमको ये बात बताइए, गरीब का घर अगर उजर गया तो ये संतोष कुशवाहा भी वोट गया इस बार? क्यों पास किया है? क्यों पास किया है? नाला बना दिया, घर बना दिया, बोला क्या है?
संरक्षण करने का, सांसद को अधिकार नहीं देगा गरीब का आवाज सुनने का, ऐसा क्यों नहीं हो रहा हम लोग के साथ? डायरेक्ट हाईकोर्ट का आदेश आ जाता है जो आप जमीन खाली करिए, कल शाम को 5 बजे नोटिस लगता है, कल शाम ठीक है। हाई कोर्ट में सांसद जी लोग का, विधायक जी लोग, इनको भी तो लड़ना चाहिए गरीब के लिए, नहीं लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है वोट के लिए, वोट इलेक्शन आएगा हमें वोट दीजिएगा, हमें वोट दीजिएगा, ये करते हैं इलेक्शन खत्म सब। हमारे उच्च न्यायालय हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया, बताइए नहीं बोले हैं कि अगर हम लोग इतना साल से इस जगह बसे हुए हैं, ठीक है ना, अचानक लोग बोलेगा कि तोड़ दीजिए, ऐसा होता है? सुनिए, हमारा ये कहना है कि आप लोग अभी इतना लोग परेशानी में हैं, जो आप लोग का नेता है उनको नहीं बोले आइए, हम लोग का नेता सारा दुनिया से लगता चला गया, सब मर गया, है ही नहीं, अभी पटना कोई है, कोई कलकत्ता है, कोई दिल्ली में, कोई कहीं चला गया, जब वोट के समय आएगा ना, वोट दीजिए, वोट दीजिए, इतना बड़ा खाली पोस्टर लगाने से हो जाता है, घर तोड़ दीजिए, सामने लगाएंगे और रात में कहेगा हम जाइए, रुक रुक, ऐसा होता है? आप भी लोग इंसान, इंसान की हैसियत से सोचिए, किसी को भी अगर रोड पर भी है ना, समय दिया जाता है, यहाँ कुछ नहीं, 5 बजे नोटिस आते हैं, नोटिस में कुछ नहीं ना, तो उसको टाइम दिया जाता है कि फलना तारीख, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर देना, पैसा अभी 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 जो कितना फोर्स आया हुआ है, अभी बहुत आया हुआ है, बहुत आया है फोर्स, बहुत आया है जैसे भी, लेकिन हम लोग कोई भी आएगा, लेकिन हम लोग बाले बच्चे सब मिल के सो जाएंगे, कहेगा चलाओ इस पर बलडोजर, मरने के लिए तैयार है, कभी नहीं होता है, लेकिन गजब है सरकार, ज्यादातर गरीब लोग ही रह रहा है इसमें, सब गरीब है, सब गरीब है, और ये तो हाई कोर्ट जो है इंक्वायरी करना चाहिए, साजिश कर लिया है, ये देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है, लोगों का आक्रोश जो है वो जनप्रतिनिधियों पर है, जनप्रतिनिधियों पर इसलिए है कि जनता जब परेशानी में हो तो बताइए उनके तरफ से उन्हें परेशानी का समाधान देने के लिए कौन आएगा? जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे, कम से कम भरोसा नहीं दिलाएंगे तो फिर कौन दिलाएगा? अभी प्रशासन के द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई यहाँ होनी है, कोर्ट का आदेश है, कहा जाता है कि कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हो रही है, तो चलिए कोर्ट का आदेश ही है, लेकिन आखिर ये लोग अगर बेदखल हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग? आखिर इसका भी तो निदान होना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोग को यहाँ से बेदखल करेगा तो ये लोग क्या कहते हैं, आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाएंगे, मरने के लिए मजबूर हैं, चूँकि ये लोगों को कहीं दूसरे जगह जाने का कोई रास्ता है नहीं, ऐसे में ये लोग करें तो क्या करें? अब जरा बताइए, तमाम लोगों का यही कहना है कि अभी सांसद जी कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? सांसद जी एक जिला के बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं और उनको आना चाहिए, पब्लिक की समस्याओं को सुनना चाहिए, कम से कम दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों का कहना है कि एक बार भी वो देखने के लिए भी नहीं आया, नहीं सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार है। क्या बताइए आप लोग, सांसद जी यहाँ आए आप लोगों का समस्या सुनने के लिए? अभी तक कोई नहीं आया है, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता कुछ कहने के लिए, कोई नहीं, भू माफिया के सपोर्टर है, सांसद जी खुद ही भू माफिया के सपोर्टर है, इसलिए नहीं आए हैं वो यहाँ, इतना पब्लिक वोट दिया उनका भू माफिया जी, जी भू माफिया का सपोर्टर है वो, तो इस बार क्या हाल होगा उनका, तब क्या होगा वो जानेंगे, दूसरा आएंगे, इतने लोग सड़क पे आएंगे तो वो भी जानेंगे उनका क्या होगा, उनको भी देखना होगा इस चीज को, यानी कि उनके नजर में पब्लिक का कोई जिंदगी कोई नहीं, हम लोग कीड़ा मकोड़ा है उनके नजर में, हम लोग उनके नजर में अगर कुछ होते तो वो हमारे बीच आते, हमारे दुख दर्द को समझते ना, अब चुनाव चुनाव आ रहा, आएंगे नहीं, आएंगे वो नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे, वो भू माफिया के सपोर्टर अभी घर में बैठे हैं, वो घर में बैठ करके टीवी पे न्यूज देखेंगे, आप लोग डालिए, वो बैठ कर देखेंगे, यही काम है जी उनका, वही काम है, पब्लिक चाहे इसके कुछ भी, कुछ भी हो जाए, लेकिन चुनाव में जब आएंगे ना तो मंच पर से बोलेंगे हम लोग उनके मेरे रहते हुए जनता को कोई छू नहीं सकता, काला झंडा दिखाएंगे, काला झंडा दिखाएंगे, और क्या करेगा उसको, वही सब बात बोलेगा और क्या,
वोट लेने के लिए बोलेगा वोट ले लिया काम खत्म हो गया। उससे पहले आए थे तो बोला सब समझ जाएंगे, लेकिन सुबह से इतना दिन हुआ कोई नहीं आया अभी तक। नहीं आया जी, इतने सारे पब्लिक खड़े हैं लेकिन हमारे सांसद जी को पता नहीं है, विधायक जी को पता नहीं है, हमारे मेयर जी को पता नहीं है, किन्हीं को पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, किन्हीं को नहीं पता है। आपके बीच देख लीजिए, आप मीडिया देखिए, सामने में कोई है यहाँ के बाहर चले गए, अब पब्लिक यहाँ मरने को मजबूर है जी। हम लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, अगर हमारे पास रहने का जगह नहीं है तो हम जी के क्या करेंगे। 20,000 घर से बाहर हो जाएगा तो रहेगा कहाँ, कहाँ जाएंगे, जा रहा है कि आप कहाँ जाएंगे सर, कहाँ रहेंगे हम लोग। हम लोग मर जाएंगे, और जब भी अगर प्रशासन जो है तोड़ने के लिए जाए तो हम लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ा के ही, उनको जैसी भी चढ़ा के ही जाना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 1,500 घर है इस मोहल्ले में, ठीक है, यानी कि सब मरने को तैयार हैं जी, एकदम स्वेच्छा से मरेगा सब आदमी, बाल बच्चा से मरेगा सभी लोग, कहां जाएंगे। हम लोग सक नहीं सकते, प्रशासन से लड़ नहीं सकते, लास्ट में हम लोग मरने के लिए तैयार है, तैयार रहना। तो ऐसा करिए ना, कम से कम विधायक जी को सांसद जी को बुला लीजिए, सबको मालूम है लेकिन आने के लिए तैयार ही नहीं है। बुला लीजिए, बोलिए कि हम लोग यहाँ शहीद होने जा रहे हैं, आप कम से कम देखो तो करिएगा। न्यूज देख लेंगे आप, न्यूज पे टिप बटन रहेगा देख लेंगे वो न्यूज। अच्छा, इसीलिए वो है, इसीलिए वो है, इसीलिए वोट दिए थे और क्या, इसी के कारण ना आते हैं हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए। वोट का समय है, जीते अपना घर में बैठे हुए हैं, फिर यहाँ गरीब आदमी मरे जिए उससे कोई मतलब नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है ना, आएगा वोट लेने, तब उसका वोट का पता लगेगा कि देता है कि नहीं देता है, क्या मिलता है उसको इस बार, क्या मिलेगा, झाड़ू मिलेगा, चप्पल जूता मिलेगा, आनंद नगर से क्या मिलेगा, चुनाव का बहिष्कार करेंगे आनंद नगर से, किसी को नहीं देंगे वोट, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या जो भी हो, नहीं देंगे वोट। जो मेरे लिए करेगा उसके लिए हम करेंगे, जो नहीं करेगा। हमको ये बात बताइए, काम होना नहीं होना दूसरी बात है, लेकिन आपके साथ खड़ा भी है अभी क्या, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी स्थानीय नेता नहीं है, सांसद विधायक कोई नहीं है, तब खड़ा भी नहीं है आप लोगों के, कोई नहीं है, सुबह से कोई नहीं है, बैठ गया है। हम लोगों अभी को मरने के लिए छोड़ दिया गया, उन लोगों को छोटा बच्चा घर में खाना नहीं बना, सब बच्चा ऐसे भूखे प्यासे, सब पूरे बस्ती में भोजन नहीं बना, कितना आदमी सवाल है, पहुंच गया। एक सवाल है, अगर ये जमीन जो हम लोग निकल रह रहे हैं यहाँ, तो जो रजिस्ट्री जिस समय होता है वो रजिस्ट्री पदाधिकारी के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है इंदिरा आवास मिला हुआ है, जो पदाधिकारी इंदिरा आवास दिए हैं क्या बिगर पेपर का दे दिए हैं, लोन बैंक का लोन चल रहा है लोगों के ऊपर, वो कैसे हो गया, सबों पे बैठाइए, आप लोग चाहते हैं कि सब कुछ को देखा जाए, सही जांच हो, सही जांच हो और न्याय मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि सही जांच नहीं हो रहा है जी, तो वैसी स्थिति में आप लोगों के तरफ से जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनको तो चाहिए ना कि यहाँ सही जांच कैसे हो तो होगा, उसको करवाना चाहिए। सर घर मेरा टूट रहा है, दर्द उनको क्या होगा, सही बात, संपत्ति मेरा जा रहा है, बाल बच्चा मेरा रोड पर आएगा, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि को क्या जा रहा है, वो तो अपने घर में है, सब अपने अपने एसी का आनंद ले रहे हैं। वहाँ जब दिल्ली में जाएंगे लोकसभा में तो बोलेंगे कि हम जनता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो सब हवा है, दिखाते हैं अपना सब पेट भर रहे हैं, सब अपने अपने देखिए, सब हमारे सब, यानी कि आप लोग चाह रहे हैं कि कम से कम इस दुख की घड़ी में कम से कम वो खड़ा भी रहे, शरीर से तो रहते नहीं कुछ करते, कोटे का आदेश है, शरीर से आप रहते, हम लोग लड़ेंगे, मेरा घर जा रहा है, हम लड़ेंगे। लेकिन कई जगह तो देखा जाता है कि जनता नेता ये कहते हैं कि पहले नेता मरेगा उसके बाद जनता, वो सब जो है ना मुखौटा है, बोल के चले गए, बोलेगा नहीं तब तक उसका घर और बाल बच्चा नहीं चलने वाला है, वो सब बोलने के लिए नेता है तो बोलेंगे ही, हम पब्लिक को जागना होगा कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद कुमार है। प्रहलाद जी, यानी कि आप लोगों में ये है, ठीक है कोर्ट का आदेश के माध्यम से जो भी हो रहा है, लेकिन आपका जनप्रतिनिधि कम से कम दुख की घड़ी में खड़ा भी तो रहे। हमारे एसडीओ साहब अभी कितना अच्छा से समझा है, आप लोग प्रशासन के लोग समझा रहे हैं कम से कम। प्रशासन समझा रहे हैं कि आप लोग उतावला नहीं होइए, आप लोग न्यायालय जाइए, क्योंकि न्यायालय का मामला है और न्यायालय से ही रोक होगा, हम लोग तो उसके अधीन है। अधीन, चलिए ये देख रहे हैं यहाँ के लोगों का किस तरह से आक्रोश है। इन लोगों का कहना है कि जो भूमाफिया है वैसे लोगों के साजिश के कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है और बड़ी संख्या में लोग बेघर होने जा रहे हैं। कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन तो सब कोई करता है और प्रशासन भी करवाने यहाँ आया हुआ है, लेकिन इन लोगों को सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि इनका जो जनप्रतिनिधि है इस दुख के घड़ी में ये इन लोगों के साथ नहीं है। ये लोग तमाम देख रहे हैं यहाँ महिला पुरुष बच्चे तमाम लोग यहाँ मरने के लिए यहाँ बुलडोजर के आगे खड़े आकर के बैठ गया है और कह रहा है प्रशासन से कि नहीं नहीं घर अगर तोड़ेंगे तो पहले हम लोग को कुछ जगह दीजिए, नहीं तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। इसी ऐसी स्थिति में जो पूर्णिया के सांसद हैं, जो पूर्णिया के विधायक हैं, जो और भी जनप्रतिनिधि हैं,
ये लोग इन लोगों के दुख को सुनने समझने के लिए भी यहाँ अभी तक नहीं आया है, एक कॉल भी नहीं आया, ना तो उनका लोग आए हैं। तो जरा सोचिए इन लोगों के प्रति क्यों नहीं आक्रोश वैसे सांसद के प्रति रहेगा। यही वजह है कि ये लोग अभी काफ़ी आक्रोशित हैं और वैसे जनप्रतिनिधियों को खड़ी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन इन लोगों का प्रशासन से ये रिक्वेस्ट भी है कि इन लोगों पर रहम करे, तो कुछ रास्ता निकाल दे, ताकि कुछ रास्ता निकल जाने के बाद इतनी जो बड़ी आबादी है उसके लिए कुछ समाधान हो, और लोग जो बरसों से यहाँ रहते आ रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कहीं ना कहीं करे। हालांकि सरकार के पास योजना भी है गरीबों को ज़मीन देने की, भूमिहीनों को ज़मीन देने की, तो ये लोग तो एक तरह से साजिश का शिकार हो गए हैं। जिस ज़मींदार ने इन लोगों को ज़मीन बेची कोर्ट में, शायद वो ज़मींदार वैध नहीं हो पाए, तो ऐसी स्थिति में ये लोग एक तरह से ठगी के शिकार हो गए। लेकिन इनका दोष क्या है, क्योंकि इन्होंने देखा जाए कि पेपर सब कुछ ठीक ठाक था उस समय, तो उसके आधार पर इन लोगों ने रजिस्ट्री करा ली, घर बना लिया और आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। और सबको बुलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और देखिए क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल हम आपको पूरा नज़ारा यहाँ का दिखाएंगे। अपने सहयोगी सुमित के साथ मैं संजय कुमार। आप लोग जान रहे हैं हम लोग यहाँ जो आए हैं वो न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आए हैं। ये जो मकान या बिल्डिंग जो आप बना लिए हैं, ये न्यायालय ने इसको आपके पक्ष में नहीं दिया, ये इसको अवैध घोषित किया है कि ये जो जिस जमीन मालिक से आपने रजिस्ट्री कराया उसके पक्ष में नहीं होके ये फैसला हो गया है दूसरे के पक्ष में, अनिरुद्ध यादव के पक्ष में। तो और आपने जमीन रजिस्ट्री करा लिया है कोई पीसी दास से पहले से, ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि आप लोग 30-40 वर्ष से रह रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास भी बाध्यता है न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए। जब तक कि आप लोग इस आदेश के अगेंस्ट में जिस न्यायालय से हुआ वहाँ अपनी बातों को नहीं न्यायालय में रख के और अपनी पक्ष को नहीं रख के कुछ फैसला नहीं कराइएगा, तब तक हम लोग बाध्य है इसको अतिक्रमण से होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों, ये कंटिन्यू सतत प्रक्रिया चलेगी। इसलिए आप लोग जो है जाएंगे खाली हाथ में कागज चेक नहीं होगा, बात समझिए, सारी बातें नहीं है, बात यहाँ है कि आप वो सब बातें न्यायालय में आपने कैसे भी रखना है, न्यायालय सर्वोपरि है, बात समझिए, न्यायालय जो है वो सर्वोपरि है और हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस कर्मी बाध्य है। तो इसलिए पुलिस में जो है वो न्यायालय के आदेश के एक्सक्लूशन के लिए हमको बल का भी प्रयोग करना होगा तो करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग बात को धैर्य पूर्वक सुनिए और समझिए, और लीगल चीज लड़ाई रोड पर ऐसे नहीं होती है कि आप जेसीबी के नीचे आ जाइएगा मर जाइएगा, ये लड़ाई नहीं हुआ, ये लड़ाई लीगल तरीके से लड़ी जाती है। दूर करते हैं, आज का माहौल, आज का विषय वो आम मुद्दा नहीं है, ये कोर्ट में ये मामला चल रहा था, आप वहाँ उपस्थित होकर पक्ष नहीं रखे, कोर्ट ने आपको खाली करने का आदेश दे दिया, हम लोग उसी के आलोक में आए हैं, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बीपीएसटी का पर्चा दिखा रहे हैं आप लोग, इन सब चीजों को आपको कोर्ट में पॉइंट वाइज पॉइंट अपने हक की लड़ाई लड़नी है, वो आप जगह अलग है, वो फोरम अलग है, वहाँ पर आप जाइए, स्टे ऑर्डर अगर आपके पास में है तो आप अभी के डेट में आप दिखाइए, हम लोग वापस चले जाएंगे। अगर स्टे ऑर्डर नहीं है, कोर्ट का कोई ऑर्डर आपके पक्ष में नहीं है जेन्युइन आज के डेट में जो वैलिड है, तो फिर हम लोगों को आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब रहा इसमें जो बासगीर पर्चा भी दिख रहा है, अच्छा चीजें जो आप हमें दिखा रहे हैं ना पेपर, ये पेपर एक्सक्यूशन केस में इन सब चीजों को ऑन स्पॉट देखने का, उस पर निर्णय लेने का हम लोग को कोई अधिकार नहीं है।
यही चीज बता रहा हूँ, इसको कोर्ट में डालना है, कोर्ट आपको रिलीफ देगी। अब जहाँ तक समय की बात है तो समय भी हम आज तो मुकर्रर नहीं कर सकते, वो भी कोर्ट करेगी, उसके लिए पहले आप गए हैं जा रहे हैं कोई जाइए। अब आप बताइए आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है, अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फर्शियन यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त, जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूँ, आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला, थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। हाई डियर व्यूअर्स एंड द पेरेंट्स ऑफ पूर्णिया, विश यू वेरी हैप्पी एंड ए प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। माई नेम इज जयलक्ष्मी, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ मॉन्सन स्कूल कोशी कॉलोनी पूर्णिया। डियर पेरेंट्स, आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक आवर स्कूल स्टार्टेड फंक्शनिंग। We have started the admissions for the academic year 2024-25. This year, we are taking admissions from classes pre-nursery to grade 8. I invite you all the parents to come and visit our campus. Thank you. Have a great day. May the Lord Almighty bless you all. Furniture aur electronic ka sansar, aapka apna R Bazaar, bharose ki khareedari. Mahambe Retail Private Limited, all kinds of furniture and electronic goods. NS31 Bypass, Bellori, Pune. और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी। मांबे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया।